नमस्कार, मैं सूरज शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूज चैनल आवाज इंडिया न्यूज। रुक करते हैं बड़ी खबरों की। फुलादी पुलिस ने शिक्षक से मारपीट करने के मामले में आरोपी हुजूर खान को किया गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार दो दिन पहले 12 सितंबर को एका भटियान मुखेरी निवासी लीलाधर मेघवाल ने फलौदी थाने में रिपोर्ट पेश कर बताया कि मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय इग्नियाथ की ढाणी मुखेरी में अध्यापक पद पर कार्यरत हूँ। स्कूल की छुट्टी होने पर मैं अपने घर जा रहा था, तब बीच रास्ते में हजूर खान मेरे ऊपर हमला कर आंख, नाक, मुंह और सिर पर चोटें पहुंचाई। वहीं शिक्षक ने बताया कि इससे पूर्व आरोपी के पिता गफूर खान ने भी स्कूल में आकर जाति सूचक गालियां देकर धमकी दी थी, जिसके बाद फलौदी पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अनुसंधान फलौदी डिप्टी एसपी रामकरण सिंह मलिंडा द्वारा शुरू किया गया। आपको बता दें कि इस तरह की घटना को गंभीरता से देखते हुए आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे, जिसको लेकर फलौदी थाना अधिकारी राकेश खयालिया व टीम द्वारा मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी एका भाटिया निवासी हजूर खान को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। फिलहाल पुलिस टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है। इसी तरह की खबरों में हमेशा अपडेट रहने के लिए आवाज न्यूज को सब्सक्राइब करें। वह अगर आप आवाज न्यूज के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आवाज न्यूज के फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। वह अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद।